टाइम हुआ है 8:35 होने वाला है। हम लोग यहाँ से इस हॉस्टल से चेकआउट करके निकल रहे हैं नुब्रा वैली के लिए। हुंडर में हम लोग का अगले 2 दिन का स्टे है। यहाँ से खाड़ूंगला पास होते हुए जाना है, इसलिए उस हिसाब से तैयारी की है क्योंकि हाइट ज़्यादा है एक तो, दूसरा मौसम भी ख़राब हो सकता है कभी भी। मेडिसिन भी खा लिया। 8:35 हुआ है, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। लोकल्स बताते हैं 5 घंटे का, पर 6-7 घंटे तो एटलीस्ट हम लोग को लगेगा ही। टाइम हो रहा है 8:45, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। 1.5 घंटे में वैसे खाटूंगला का रास्ता दिखाता है मैप में, पर पहाड़ों के रास्तों का कोई भरोसा नहीं है। बैठ, बाय बाय। ये पहला स्टॉप था जहां पर हमारे बाइक के पेपर्स चेक हुए, नॉट द परमिट, बाइक के पेपर्स, क्योंकि हमारी बाइक में टेम्प्रेरी नंबर्स हैं, न्यू बाइक हैं। 10-15 मिनट बाइक चलाई और ये चेक पोस्ट था। परमिट का चेक पोस्ट साउथ कुल्लू में आएगा, जो कि यहाँ से करीब 1 घंटा लगेगा। अभी खाटूंगला इज 34 किलोमीटर्स एंड साउथ कुल्लू इज 20 किलोमीटर्स। शायद साउथ कुल्लू पहुंच गए हैं। यहाँ पर चेक पोस्ट है प्लस वॉशरूम्स भी हैं। तभी टाइम हुआ 1 घंटा हम लोग को लग गया यहाँ आने में। 9:45 पे निकले, 8:45 पे निकले, तभी 9:45 हो रहा है। क्या है आपका? वो बाइक है, बाइक टेम्प्रेरी नंबर है। ये नुब्रा, ये नुब्रा, ये ओरिजिनल है। ये एक निकालो, ये हाँ निकाल लो, पीछे वाला निकाल। इस पे आपका नाम लिखना, ठीक है? एक जन का ना, एक नाम आपका, बीच में गाड़ी का नंबर, टेम्परेचर लिख लो, ठीक है? फोन नंबर, ठीक है? उधर जाके एक वो भी निकाल लो, पेंगोंग वाला भी निकाल लो, अब ले जाओ बस। हम लोग अभी साउथ कुल्लू से परमिट वगैरह चेक करा के निकल लिए हैं आगे। अब यहाँ से 14 किलोमीटर ऊपर है खाटूंगला टॉप, लगभग 40 मिनट का टाइम लगता है। हवाएं एकदम ठंडी ठंडी हो गई हैं। शुक्र है कि हम लोगों ने डिकैथलॉन से वाटरप्रूफ ग्लव्स जो लिए थे वो यहाँ पर ठंड से अच्छा बचा रहे हैं। नॉर्मल बाइक का ग्लव्स जो आते हैं वो तो यहाँ फेल हैं। ये देखिए सामने पूरा बर्फ से ढका हुआ खाटूंगला। साउथ कुल्लू के आगे रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है खाटूंगला तक, देखते हैं वो पैच कब आता है हमारा।
एक भाई हमारे थोड़ा पीछे छूट गए थे तो रुक गए हम लोग यहाँ पर। साथ में चलना ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई ज़्यादा पीछे छूट गया तो मोबाइल का नेटवर्क तो है नहीं कि कॉल करके पूछ लें क्या प्रॉब्लम है, इसलिए साथ साथ ही चल रहे हैं। खारदुंगला टॉप पहुंच गए हैं। पानी निकालो पानी। दस मिनट मैक्सिमम। अभी हम लोग खरदुंगला टॉप पहुंच गए। बहुत भयंकर ठंड है, सबके हाथ पूरी तरह एकदम बर्फ से एकदम चिल्ड है। ग्लव्स तो कोई काम नहीं आ रहे, बाइकर ग्लव्स तो बिल्कुल भी नहीं, ठंड वाले ग्लव्स भी एकदम हाथ का हाल एकदम हाथ काले पड़ चुके हैं हम लोगों के। 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ रुकना एडवाइज्ड नहीं है और हमने देखा यहाँ पर लोग बेहोश भी हुए हैं अभी, तो 10 मिनट से ज़्यादा हम लोग रुकेंगे नहीं। काफ़ी भीड़ है, फोर व्हीलर्स की भीड़ है, बाइकर्स तो शायद बहुत कम ही है। खारदुंगला टॉप क्लेम करता है कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो कि एक तरह से फॉल्स क्लेम है क्योंकि अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो खारदुंगला से ऊपर और आपको 4-5 और पासेस मिलेंगे, जैसे कि मरिस्मिकला और माना पास, यहाँ तक कि यहाँ बगल में चांगला पास है वो भी इससे 1-2 मीटर ऊपर ही है। पर ये रोड है जो 12 महीने पूरा खुला रहता है, इसलिए शायद इसको हाईएस्ट मोटरेबल रोड बोलते हैं क्योंकि बाकी कोई पास नहीं खुला होता है। खारदुंगला से अभी निकल चुके हैं, रास्ता पूरा बर्फीला। जिंदगी में वापस से अच्छी रोड की वापसी हो गई है,
तो साउथ कुल्लू से करीब 2-3 किलोमीटर तक तो ठीक है, पर साउथ उसके आगे फिर खारदुंगला के 4-5 किलोमीटर आगे तक रोड बहुत ख़राब है। ख़राब इन द सेंस इतनी भी ख़राब नहीं है कि नहीं चलाई जा सकती है, धीरे धीरे करके आराम से बढ़ता चलाओ, कहीं कहीं बस कीचड़ और बर्फ़ है, बाकी तो सब बढ़िया है। वापस से अच्छी रोड आ गई है। नॉर्थ कुल्लू आ गया है अभी, परमिट कहाँ है भाई, परमिट कहाँ है? हाँ यार ठीक है, नुब्रा क्या क्या लिखा था पहले, जेके 2019 बस ठीक है ठीक है। हो गया हाँ ये शेयर वाला रास्ता ठीक है ना? सही जाता है, बाइक वैसे कम जाता है, बाइक कम था। हाँ पर जाते हैं लोग ना। ठीक उधर पेंगो था कुछ ही, लेकिन उधर से फिर ये खरदोला जैसे एक रोड क्रॉस करना पड़ेगा। चांगला ना? हाँ वो थोड़ा कीचड़ वाला है। वो कीचड़ वाला खरदोला जैसा ही होगा ना? नहीं उसे वो थोड़ा खराब ही होगा। हाँ से तो थोड़ा खराब ही है क्योंकि इतना हाइट पे नहीं है। हाँ हम लोग जैसे जैसे हुंडर की तरफ जा रहे हैं पूरा लैंडस्केप चेंज होते जा रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ पूरे बर्फ के रास्तों से होके आए हैं, आगे जाके हम लोग को रेगिस्तान मिलने वाला है। भाई ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ना यही है पेंगोंग का। वेलकम टू नुब्रा एंड शेयोक वैली, ग्रीनरी आ गई भाई।
है वो कट ओए सीधा पैनामिक और सियाचिन ग्लेशियर और लेफ्ट में अपना डिस्केट से 10 किलोमीटर दूर है ये मालमिल्का बाग का शूटिंग पॉइंट। यहाँ से सीधा हुंडर है और शायद लेफ्ट में हमें जाना पड़ेगा मोनेस्ट्री के लिए। How much? तीन बाइक हैं। कितना? एक आदमी का 30 रुपए। दे दीजिए। डिस्किट मोनेस्ट्री जहाँ पर मैत्री बुद्ध का स्टैचू है वहाँ से निकल लिए हैं हुंडर के लिए। हुंडर यहाँ से मैक्सिमम 8 किलोमीटर्स है और अभी टाइम हो रहा है 4:20, तो हम लोग एकदम सही टाइम पे चल रहे हैं, दिन में पहुँच जाएंगे। और यहाँ से हम लोग अभी ही हुंडर के सैंड ड्यून्स दिखने लग गए हैं। हुंडर अभी भी 4-5 किलोमीटर दूर है। की तरफ हम लोग मुड़ गए हैं। अभी हमारा गेस्ट हाउस यहाँ बुक है जिसका नाम है हॉर्बो गेस्ट हाउस। लाइट नहीं आई, कब तक आएगी? 6:30 बजे आएगी। बुकिंग है यार विश्वजीत सिंह के नाम से। तीन रूम है, यहाँ चलेगा, यहाँ वाईफाई चलेगा। 6:30 बजे लाइट आएगी जब, यही ले देते हैं। अरे नहीं, वाईफाई की ज़रूरत है, वाईफाई की ज़रूरत है। क्या सैंड न्यूज ऊंट का सफारी वही है?
हम लोग हुंडर के सैंड ड्यून्स पे आ गए जहाँ पर कैमल सफारी करेंगे। ये है यहाँ का व्यू।